नमस्कार दोस्तों, आज का एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जानकारी से भरपूर। जो पीछे भी हमने 3 वीडियो डाल चुके हैं, आज वीडियो डाल रहे हैं कि डेयरी का शेड जो है वो आप किस तरीके का बनाए। वैसे डेयरी के शेड की वीडियो काफ़ी सारी वीडियो आप पहले भी डाल चुके हैं, और आज अपने डेयरी फार्म पे ही हैं, सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। तो मैं बताना चाहूँगा कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली हैं डेयरी का शेड बनाते समय, जो भाई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उनके लिए जो है ये वीडियो आप शूट कर रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर करें, जो पशुपालक भाई इस लाइन में नया आना चाह रहे हैं, नए जुड़ना चाह रहे हैं, डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि अगर आप भैंसे रखेंगे या गाय भी रखेंगे, गाय के लिए तो ज़्यादा हरे चारे की या साइलेज की आवश्यकता होती है। तो डेयरी वाले जो भाई हैं, जो डेयरी शुरू करना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जिसके पास हरे चारे की सुविधा हो वो भाई इस लाइन में आए। 1-2 एकड़, जैसे कि 10 भैंसे किसी के पास हैं तो कम से कम 1 एकड़ ज़मीन जो है हरे चारे के लिए ज़रूर चाहिए। अभी शेड की बात करें तो शेड बनाते समय ये जैसे कि लगभग 7 फीट का जो है ये मैट है, और लगभग 7x4 का ये मैट है, तो 7 फीट की ये लंबाई इस मैट की जो खुरली है वहाँ से लेके यहाँ तक होगी, और इसके पीछे लगभग 12 इंच के आसपास, 8 इंच के आसपास ये जो है पशुओं का जो पेशाब जाने के लिए जो नाली है वो बनी हुई है, और जो काफ है उनके लिए ये जो मैट की चौड़ाई है ये 4 फीट की है। लगभग 4 फीट जगह पीछे बच्चों के लिए जो है वो हमने दी है, आप अपने हिसाब से करें। लगभग 5 फीट जगह एक एनिमल के लिए हमने दोनों साइड की जो है वो छोड़ी हुई है। जो ये जो पिलर है, इस पिलर से लेके और ये जो दीवार है, इस दीवार तक की जो चौड़ाई है ये 10 फीट है, और 10 फीट में 2 एनिमल जो है आ जाते हैं। अपने डेयरी की लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो 50x40 की है, और इसमें लगभग अगर वो जो जीना जो लगा हुआ है वो ना हो तो लगभग 10 एनिमल एक साइड और 10 एनिमल जो है दूसरी साइड वो आराम से खुले बन सकते हैं, पीछे इनके बच्चे भी आ सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई की बात करूं, जो छत की ऊंचाई है वो लगभग हमने जो है 13 फीट के आसपास दे रखी है, लेकिन छत मैं कहूँगा आप पशुपालक भाइयों के लिए कि आप सस्ती छत डालिए, जैसे कि जो सरकंडे वगैरह हैं उसकी भी डाल सकते हैं, लोहे की चादर हैं वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गर्मी से बचाना पड़ेगा, उसके ऊपर अगर चादर डालेंगे तो सरकंडे जो है वो ज़रूर डालने पड़ेंगे। तो एक एनिमल के लिए लगभग 5 फीट जगह चौड़ाई में, और लंबाई में लगभग अगर कंफर्टेबल बात करें, पीछे गोबर वगैरह जो है वो आराम से पड़ा रह जाए तो लगभग 8 फीट जगह जो है वो अपने को चाहिए। काफ के लिए लगभग 4 फीट की जगह जो है हमने रखी है, और अच्छे तरीके से साफ सफाई अपने डेयरी फार्म पे ज़रूरी है, वो भी वीडियो मैं आपके लिए डालूँगा। एक जो छोटी सी कमी हमारे डेयरी फार्म पे रहेगी वो ये है कि ये जो बीच में जगह है ये लगभग 8.5 फीट की जगह जो है ये इस दीवार से लेके इस दीवार तक 8.5 फीट जगह है, इसको लगभग आप 3 फीट या 4 फीट तक मेंटेन रख सकते हैं। 3 और 4 फीट के आसपास रखेंगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा, और इसमें से जो काम अभी हो रहा है वो 3-4 फीट वाली जगह पे भी, 3 फीट जगह पे भी हो सकता है। तो ये जो डेयरी साइड है ये आपा बना रखा है, और दूसरी साइड जो है एनिमल इधर बांधते नहीं, आजकल जो है बाहर ही, गर्मी का टाइम है तो बाहर जगह अपने पास खुली है तो वहाँ एनिमल जो हैं वो पशु जो हैं रह जाते हैं। ये देखिए पीछे, तो ये डेयरी साइड है जी। और 2-3 बातें और इसमें ध्यान रखने वाली हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो तूड़े की जो तूड़ा जहाँ स्टोर होता है वो अपने डेयरी फार्म के नज़दीक रखें, ज़्यादा दूर उसको ना बनाएं। ज़्यादा दूर अगर आप बनाएंगे तो लेबर की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, या जो आपके लिए जो लेबर है वो जो है उसको उठाने में लेके आने में समस्या रहेगी। हमने ये बिल्कुल नज़दीक, अभी तूड़े का सीज़न है तो तूड़ा भी अपने पास इकट्ठा हो रहा है, तो हमने बिल्कुल नज़दीक जो है डेयरी फार्म के तूड़े की जो है स्टोरेज की सुविधा की है। मैं तो कहूँगा डेयरी के अंदर ही इसका जो है तूड़े का स्टोरेज का मुँह जो है वो खुलना चाहिए। एक साइड से बड़ा गेट है, एक साइड से छोटा गेट है, तो तूड़े की स्टोरेज अगर नज़दीक होगी तो बढ़िया है। हरा चारा भी नज़दीक खेत में डेयरी फार्म बनाइए, और हरे चारे का जो चाफ कटर है वो भी बिल्कुल नज़दीक रखिए।
तो इस तरीके का अगर आप सेट बनाएंगे इसमें आप कॉस्ट बचा सकते हैं। ये भी तो हमने जो है पत्थर वगैरह डाल रखे हैं, लेकिन आप इस पे भी जो है चादर वगैरह डाल के खर्चा बचा सकते हैं। इसको एक आध फीट नीचे ज़मीन में जो है ज़्यादा गहरा करके जो तूड़ी है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ दीवारों में नमी वगैरह नहीं आती है, ये भी ध्यान करें कि नमी वगैरह जो है दीवारों में ना आए, क्योंकि तूड़ी जो है वो ख़राब होने के चांस बहुत रहते हैं। तो ये जितनी भी जानकारी थी, साथ में पानी का स्टोरेज जो है वो देखिए बिल्कुल नज़दीक है अपने, तो आप पानी का स्टोरेज भी नज़दीक रखें। तो ये छोटा छोटा जो है ध्यान करके आप शेड बनाएं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी हम डालते रहेंगे। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट एक टॉपिक पे करेंगे, आप उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आगे लेके आएंगे, और जो भी अपना एक्सपीरियंस है 10-12 साल का वो आप तक शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।